पनिश कर रही है खुद को फुलन। अरे ताऊ तो वैसे भी एक घंटे में हमें पनिशमेंट देने वाला है। नहीं तू क्या सोच कर बैठ गया यार फुल, मैं तो तेरी हेल्प करने आया था फुल। तू बता मैंने तुझे मेजर से नहीं बचाया क्या? हाँ लेकिन उसके पीछे भी तुम्हारा कोई मोटिव था। तू क्या बात कर रही है यार फुल, वो आदमी कौन था जो उस दिन तुम्हें जंगल में मिला था? कौन यार? चल छोड़ मत बता। तुझे याद है तू एक बार मुझसे पूछ रहा था कि मुझे तुझ में कोई फर्क नजर आया कि नहीं? तो सुन, हाँ तू सही में बहुत बदल गया हुडा। अगर तू उस दिन मुझे बचाने ही आया था तो तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? हर वक्त मुझे गुमराह क्यों करता गया? और तू ये मत समझना कि मैं तेरे को देख नहीं रही, बस तेरी हरकतों को पकड़ नहीं पा रही। ना मत सोचना ना, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए यार। तेरा जख्म अभी भी भरा नहीं है। जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते हुडा। मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, बताना चाहता भी हूँ लेकिन अभी नहीं बता सकता यार, थोड़ा इंतजार कर ले। हुडा लाइफ में कई ऐसी बातें होती हैं जो हम सबको बता नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की लाइफ दांव पर लगा दें। मेरा विश्वास कर फूलन, मैं कल कल तक तुझे सब कुछ बता दूंगा। अगर कैप्टन राजवीर को कुछ हो गया ना, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा मिशन अधूरा रह गया। कैप्टन राजवीर को सर। भाई क्या बात है चौबे, अब तो फ्रेश लगो। जी सर। सर कैप्टन, भाई तुम्हारे कैप्टन बहुत ही सेंसिटिव निकले। मतलब? भाई उनको थोड़ी सी अटेंशन मिली है, साथ में दवा, इलाज और एकदम फिट होने लगे हैं। यानी? बस एक दो घंटे में तुम उनको चलता फिरता देखोगे। That's very good सर। अब सर सर अब क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तुम ठीक तो हो? जी सर। फिलहाल कैप्टन बेहोशी की हालत में है क्योंकि उन पर दवा का असर है, जैसे वो असर खत्म हो जाएगा तुम जाकर उनसे मिल लेना। हाँ सर, पर वो अगर तुम उनके कमरे में इंतजार करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सर अरे सर सर आप कहाँ चल दिए? अभी तो आप पूरी तरह से ठीक? मैं ठीक हूँ चौबे, तुम बोल रहे हो कि मैं एक्सपोजर हूँ। लेकिन सर ऐसी भी क्या अर्जेंसी है? चौबे जो कोट मैंने तुम्हें दिया था, तुमने नैना सिंह को दिया था ना? वो सर वो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। आई अंडरस्टैंड चौबे, तुम सिर्फ मुझे इतना पता करके बताओ कि नैना ने वो कोट और किसके साथ शेयर किया था। क्विक। वो सर वो तो मैं एक मिनट में पता कर देता हूँ सर। हमारी एकेडमी का एक टेम्पररी स्टाफ मेंबर और तुम्हारा कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजी का टीचर कैप्टन राजवीर शेखावत, हमें एक मिली न्यूज के मुताबिक हो सकता है मर गया। या फिर जैसा कि हमारी एक कैडेट को लगता है जिंदा है। कैडेट्स, जंग में एक सिपाही को अपने साथियों के बारे में ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, यह पता ही नहीं चलता कि उसका साथी जिंदा भी है या नहीं। और कभी कभी तो बरसों तक साथी सिपाही का कुछ पता ही नहीं चलता।
ना उसकी लाश मिलती है, ना उसकी गिनती POWs में होती है, और ना ही कभी वो घर लौटता है। परंतु हर दूसरे सिपाही को ऐसे हालात की गंभीरता से जूझना पड़ता है, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए ये सीखना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी होता है कि एक सिपाही अपना चेन ऑफ कमांड ना तोड़े, क्योंकि चेन ऑफ कमांड को तोड़ना उसके लिए या उसके साथियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कैप्टन राजवीर चाहे जिस किसी स्थिति में ही क्यों ना हो, एकेडमी के किसी भी कैडेट को यह हक नहीं कि वो एकेडमी के रूल्स तोड़े। इस साल 6 कैडेट्स ने रूल्स तोड़े हैं, डिसिप्लिन तोड़ा है, और इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मेजर सर, एकेडमी का नियम तोड़ने की सजा मामूली नहीं हो सकती। आप सब उल्टी दुनिया, पाताल कुआं, इन सब सजाओं से वाकिफ हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके अलावा 5 और ऐसी सजाएं हैं जिसे पूरा करते करते आप सब अनुशासन और नियम का पालन करना अच्छी तरह सीख जाएंगे। इन 6 कैडेट्स को छोड़कर बाकी सब कैडेट्स डिसमिस। सजा का नाम है रेंगती दुनिया सजा। यह सजा तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताएगा। इस पनिशमेंट में आप लोगों को अपने घुटनों और कोहनियों के बल इस तरफ से उस तरफ रेंगते हुए जाना है। आप लोगों को 2 मिनट में 5 राउंड पूरे करने हैं, और अगर आप ये 5 राउंड पूरे नहीं कर पाए तो बाकी के 5 राउंड आपका साथी करेगा, यानी कि 10 राउंड। आप लोगों का साथी कौन होगा ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज बताना भूल गया, आप लोगों के पैरों में ये 10 किलो का वेट होगा। बहुत नींद आ रही है दोस्त, लेकिन मुझे 48 घंटे जगाकर तुम ऐसे नहीं सो सकते। मेरी लोकेशन की जानकारी सिर्फ मेरे आदमी के पास थी जिसे मैंने खबर दी थी। से पहले कि मेरा मोबाइल फोन जवाब दे जाता, 2 दिन तक मैं इंतजार करता रहा, लेकिन अगर वहां कोई पहुंचता है तो वो तुम लोग।
और मेरी एक विश्वसनीय कैडेट जिसे मेरे आदमी ने खबर दी थी। अगर ये इंफॉर्मेशन सिर्फ दो जनों के पास थी, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन किसने दी? किसने? और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोलो और बताओ, किसने दी तुम्हें इंफॉर्मेशन? क्या नमस्ते? कैडेट सिंह, लगता है तुमको ये पनिशमेंट पूरी करने की कोई जल्दी नहीं। खैर, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी के चार पनिशमेंट तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। केएमए की हिस्ट्री में कोई भी कैडेट ये 7 डेडली पनिशमेंट पूरी करने के बाद इस एकेडमी में रहने लायक नहीं रहा है। कैडेट सिंह, तैयार हैं पूजा, आप नहीं भी कर पाई तो हम करेंगे। कोई बता सकता है कि कैडेट नैना सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि काश कैप्टन राजवीर जिंदा होते और उसे यहां आकर बचा लेते, लेकिन काश अगर कैप्टन राजवीर जिंदा होते। मैं नहीं कर सकता। और कैडेट नैना सिंह, मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन की दाद देता हूं। आखिर क्या वजह है तुम्हारे अंदर इतना जोश? क्या ये एक सोल्जर बनने का जोश है या इसके पीछे कोई राज? कैप्टन राजवीर का साथ या उसके साथ कोई खास रिश्ता जिसकी वजह से तुम उसे ढूंढते हुए जंगल तक चली गई? What is it, cadet? Tell me! Second. 20 seconds. 10 seconds. सॉरी कैडेट सिंह, तुम्हारे इस नाकामयाबी की सजा तुम्हारे इस
साथी को भुगतनी पड़ेगी। इस सजा से सीखने वाली बात यह है कि आर्मी में कमजोर सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ अपने साथी, अपने बटालियन और अपने आर्मी को कमजोर करता है। टेंशन मत ले, इस नायर का पाला कभी किसी कैदी से नहीं पड़ा है। इसको पता नहीं है कि कैदी कितना झेल सकता है। अपू ने 10 राउंड आराम से पूरा कर लेगा। यस सर, इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। इन लोगों ने किसी तरह केएमए के अंदर या तो किसी अपने आदमी को प्लांट किया है या फिर हमारे किसी आदमी को खरीद लिया। सर सर पहली बार तो उनका एक सही आदमी हमारे हाथ लगा है। नहीं सर, वो लोग 2 जने थे, उसका साथी वहां से भाग गया। लेकिन कंचनजंगा मिलिट्री अकेडमी में इनका एक आदमी है सर। कौन है ये वो नहीं जानता, लेकिन मेरी लोकेशन की खबर उसी ने उन्हें दी थी और मेरे जीप के ब्रेक्स फेल भी उसी इंसान ने किए थे। जाहिर सी बात है सर, वो लोग जान गए कि मैं कौन हूँ, वरना मुझ पर हमला ही नहीं करते। ऑब्वियसली दे नो कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के एंटी टेररिज्म सेल का एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। खैर सर, वो लोग तो पहचान गए कि मैं कौन हूँ, आप मुझे सिर्फ 24 घंटे दीजिए। वो लोग कौन है मैं पता लगा कर छोड़ूंगा। केएमए के अंदर टेररिस्ट की मदद कौन कर रहा है, आई विल गेट दैट आउट सर। Just have trust on me. Have a good day, sir. Sir. Yes, sir. ये लीजिए सर। ये क्या? ऊपर वाले का प्रसाद समझिए सर। उसने जीत का इशारा किया है। केएमए के फ्रेशर्स बॉल के बाद आपने जो कैसेट जांच के लिए भेजा था, उन्होंने उसमें से एक तस्वीर का ब्लो अप करके भेजा है। और सर, मैंने नैना सिंह से बात की थी, उसने कोड 2 लोगों के साथ शेयर किया, कैडेट हुड्डा और कैडेट आलेख। एनवलप खोलिए सर और स्पाई की आइडेंटिटी जानिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.